अरे बच्चों, ये शोर क्यों हो रहा है? इधर आओ। तुम सब क्यों आपस में झगड़ रहे थे? दीदी, ये मेरी छड़ी छीन रहे थे। दीदी, ये सोहन मेरी छड़ी छीन रहा था। नहीं, ये छीन ले रहा मोहन। देखो बच्चों, आपस में झगड़ा करना अच्छी बात नहीं होती। आओ मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। तो कहानी सुनोगे ना तुम सब? हाँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उसके चार बेटे थे। वो किसान जानते हो किसे कहते हैं? हाँ, जो खेती करता। हाँ, वो किसान खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसके चारों बेटे आपस में झगड़ते रहते थे। फिर एक दिन उस किसान ने उनसे कहा कि वो एक एक बांस का टुकड़ा कहीं से ढूंढ के लाए। जब वो चारों बांस के टुकड़े ढूंढ लाए तो उसने उनसे कहा कि अपने अपने लाए हुए बांस के टुकड़ों को तोड़ के दिखाओ। क्या किया होगा उन लोगों ने? तोड़ दिया। हाँ, सबने बड़ी आसानी से अपना अपना बांस का टुकड़ा तोड़ लिया। फिर उस किसान ने कहा, एक एक बांस का टुकड़ा फिर ढूंढ कर लाओ। अब सभी एक एक बांस का टुकड़ा और ले आए। अब उस किसान ने सभी लकड़ियों को आपस में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? रस्सी से बांध। शाबाश। फिर उसने सभी लकड़ियों को आपस में जोड़ दिया और फिर उनसे कहा, एक एक करके आओ और इस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ के दिखाओ। जानते हो बच्चों क्या हुआ? क्या हुआ? उनमें से कोई भी उस लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ पाया। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? जब एक बांस था तो उसे तोड़ पाना बड़ा आसान था, लेकिन जब कई लकड़ियां आपस में जोड़ दी गई तो उसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया। उनमें से कोई भी उसे नहीं तोड़ पाया। ठीक इसी तरह जब तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे, तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अगर आपस में झगड़ते रहोगे तो टूट के बिखर जाओगे। लाओ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो, ये लकड़ी तोड़ देना कितना आसान है। टूट गई ना। अब इसे दो कर देते हैं। एक से दो होने पर देखो इसे तोड़ना कितना मुश्किल है। अब इसी तरह जब तुम लोग एक साथ रहोगे, आपस में मिलजुल कर रहोगे, तो तुम्हें तोड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हें इस लकड़ी की तरह आसानी से तोड़ सकता है। अरे भाई बच्चों, तुम लोगों की क्या बातें चल रही है दीदी से? अरे भैया, ना जाने कहां से ये सब सामान बटोर लाए और आपस में झगड़ा करने लगे। इनका झगड़ा निपटाने के लिए मैंने इन्हें एकता की एक कहानी सुना दी। अच्छा भाई, कहानी सुनी तुम लोगों ने? एकता की कहानी? अच्छा भाई, तो झगड़ा तो नहीं करोगे अब? नहीं। आप सब क्या क्या चीजें बटोर लाए हैं? ये सबके हाथ में एक ही धंधा है आपका। देखें भाई, अच्छा ये लोहे की धातु की छड़ है उनके पास, आपके पास भी ये धातु की छड़ है, आपके पास भी ये एल्यूमिनियम धातु की छड़ है, और आपके पास क्या है? ये लकड़ी का डंडा। अच्छा, लकड़ी की छड़ है। तो ये तो कोई बेकार की चीजें नहीं है, ये तो बड़े काम की चीजें हैं। इनसे बच्चों हम तुमको एक विज्ञान की रोचक जानकारी देते हैं। जानना चाहोगे ना? हाँ। तो दीदी, हमें इसके लिए जरूरत होगी एक लैंप की, जिससे हम इन छड़ों को गर्म कर सकें। जी। तो जरा आप इंतजाम करेंगे हमारे लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये देखो बच्चों, तुम्हारे सामने दीदी ने एक मेज रख दी है और इस पर एक लैंप भी है ना? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इस लैंप को जलाते हैं। क्या किया? जल जल गया ना। अब देखो, नहीं अब ऐसे मत करो, जब हम कहें तभी करना। अच्छा तुम्हारा क्या नाम है? सोहन। हाँ मोहन। अच्छा मोहन, इसको जरा इस लोहे की छड़ को इस पे गर्म करो दूर से। हाँ ऐसे ऐसे लॉक लिखाओ इसको। हाँ ये देखा क्या कर रहा है सोहन, इसको गर्म कर रहा है, इसको लोहे की छड़ को इस पे लैंप की लौ पर गरम कर रहा है। हाँ जरा सोहन, जरा अपना हाथ बढ़ाना, यहाँ क्या अनुभव कर रहे हो? यहाँ पर गरम हो गया। गरम हो गया। अच्छा अभी थोड़ी देर तक जब और गरम करोगे तो अभी देखना क्या होगा। और देखो गरम हो रहा है, ये और गरम हो रहा है। अब यहाँ छू के देखो जरा सा और पीछे। हाँ कैसा लग रहा है? गरम है। इसका मतलब ये है कि इसकी गर्मी यहाँ से जहाँ लौ है इससे ये आगे की ओर बढ़ती आ रही है, यानी जहाँ तुम्हारा हाथ है इस ओर इसकी उष्मा बढ़ती आ रही है। अच्छा तुम मोहन क्या करो, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सोहन। अच्छा तो तुम इस लकड़ी के डंडे को गर्म करो। इधर से गर्म करो बेटा।
ऐसे ये गरम करो, ये लकड़ी की छड़ है, इसको गरम करो। और इसको छू के देखो, यहाँ पर छुओ, छू के देखो कैसा गरम हो रही है। और आगे से छू के देखो, गरम हो रही है। भाई ये तो गरम नहीं हो रही है, जब इसने लोहे की छड़ को गरम किया तो ये गरम हो रही थी, और जब लकड़ी की छड़ को गरम किया तो देखो इसमें जलना शुरू कर दिया है ना, इसने देखो धुआं निकल रहा है, जलना शुरू कर दिया है, लेकिन देखो छू के गरम हुई अब है, हो रही है गरम, गरम नहीं हो रही है, जलना इसने शुरू कर दिया है लेकिन ये गरम नहीं हो रही है। तो लोहे की छड़ बच्चों जानते हो क्यों गरम होने लगी, क्योंकि इसमें चालन हो रहा है। चालन क्या होता है? अच्छा, चालन क्या होता है, और लकड़ी के अभी बताते हैं चालन क्या होता है। और लकड़ी की छड़ इसलिए गर्म नहीं हो रही थी कि इसमें चालन नहीं हो रहा है। अब इसने पूछा हमसे कि चालन क्या होता है, तो उष्मा का, जैसे ही तुम गर्म कर रहे थे तो उष्मा का इसमें जो कण है उसके एक कण से दूसरे कण की ओर प्रवाहन यानी चलना, स्थानांतरित होना, यानी ये उष्मा पहले इसने ली, फिर उसके बाद दूसरे कण ने ली, फिर तीसरे कण ने ली, ऐसे करते करते ही आगे की ओर बढ़ रही है, इसको कहते हैं चालन। उष्मा का एक कण से दूसरे कण की ओर चलना। अब दीदी देखो तुम्हें चालन एक बड़े अच्छे उदाहरण से बताएंगे, क्या लाएंगे दीदी आप इसमें डिब्बे में? इसके अंदर मीठी गोलियां हैं। मीठी गोलियां हैं। देखो बच्चों, अब तुम सब एक कतार में बैठे हो, सोहन तुम इसमें से 6 गोलियां निकाल लो। क्या किया दीदी ने? सोहन से कहा 6 गोलियां निकाल लो। अब देखिए सोहन इसमें से 6 गोलियां निकाल ली। अब इनमें से 3 गोलियां तुम अपने पास रखो और बाकी 3 गोलियां इसे दे दो। अब 3 गोलियां, हाँ बेटा खड़े हो जाओ तुम लोग, हाँ तुम भी खड़े हो जाओ। अब इनमें से एक गोली तुम इसे दे दो और 2 अपने पास रखो। अब सोहन तुम 6 गोलियां फिर से इससे निकालो। हाँ फिर से देखो इसमें गोलियां निकाली, ऐसे हाथ रखो, ये हाथ खुला ऐसे रखो, तुम भी ऐसे रखो। अब 3 गोलियां पिछली बार की ही तरह अपने पास रखो और 3 गोलियां इसे दे दो। सीधा हाथ रखो बेटा। अब इनमें से पिछली बार की तरह 2 गोलियां अपने पास रख लो और 1 उसको दे दो। तो बच्चों ये बताओ कि सबसे अधिक गोलियां किसके पास? एक गोली दे दो, इसको भी दे दो। सबसे अधिक गोलियां किसके पास है बच्चों? सोहन के पास। उसके पास सबसे अधिक गोलियां क्यों है? क्योंकि वो डिब्बे के पास खड़ा। सोहन ने 6 गोलियां उठाई, उनमें से कुछ इसे दे दी, इसने कुछ तुम्हें दी और तुमने कुछ उसे दे दी, है ना? ऐसे ही बच्चों ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में प्रवाहित होती है, और जो कण ऊष्मा के स्रोत के सबसे नजदीक होता है उसके पास सबसे अधिक ऊष्मा होती है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने लोहे की सलाख गर्म करके देखी थी ना? हाँ। क्या हुआ था? उसका जो हिस्सा आग में था वो अधिक गर्म हुआ, जबकि जो हिस्सा तुम्हारे अपने हाथ में था वो कम गर्म था। यदि उसे थोड़ी देर और गर्म करके देखते तो आग वाला हिस्सा गर्म होके लाल हो जाता और जो हिस्सा तुम्हारे हाथ में था वो भी गर्म होने लगता। तो बच्चों इस उदाहरण से हम तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि ऊष्मा एक कण से दूसरे कण में प्रवाहित होती है, और जो कण ऊष्मा के स्रोत के सबसे नजदीक होता है उसे सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। बैठ जाओ तुम लोग, समझ में आ गया है ना? एक ने क्या किया, क्या उदाहरण कौन सा प्रयोग किया, ये टॉफी वाला तुमने? पहले एक ने क्या किया, 6 गोलियां उठाई, उसमें से कुछ अपने पास रखी, कुछ अपने बगल वाले को दे दी। फिर उसने भी यही किया, कुछ अपने पास रखी और कुछ बगल वालों को दे दी। और फिर उसने भी ऐसे ही किया, कुछ अपने पास रखी। इसी प्रकार विद्युत भी, दीदी ने तुम्हें बताया उष्मा, इसी प्रकार विद्युत भी जो विद्युत स्रोत के निकट होती है वहां पर उस विद्युत लेकर के, आवेश लेकर के दूसरे कणों की ओर प्रवाहित होती है। इसी को बच्चों हम कहते हैं चालन, यानी विद्युत या उष्मा का एक कण से दूसरे कण की ओर प्रवाहन या चलना या स्थानांतरित होना क्या कहलाता है बच्चों? हमारे साथ दोहराओ, क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। हाँ, चालन क्या होता है? जिन वस्तुओं में चालन होता है, जैसे किसमें हो रहा था, लोहे की छड़ में हुई, तो लोहे की छड़ जो है चालक है। जिन वस्तुओं में चालन होता है वे चालक कहलाती है, और इन्हें हम सुचालन भी कहते हैं, जिनमें चालन हो सके। क्या कहें लोहे की छड़ को, क्या कहेंगे? सुचालक।